हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई आज जो है वो हमारे चैलेंज का जो दिन थे वो हो गए हैं पूरे। जैसे कि आपको हमने बताया कि भाई हमने 21 डेज का जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, लेकिन 21 डेज से ज़्यादा ही दिन हो गए और मैं इस पर वीडियो बना नहीं सका क्योंकि मैं चला गया था हैदराबाद। सो दैट्स वाई मैं जो है वो आप लोगों के सामने रख नहीं सका कि भाई मैंने 21 दिन के अंदर कितना वेट जो है वो कम किया और कितनी मुश्किल और कितनी आसानी हुई। बहरहाल आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। तो ये वो वज़न है जो आपको पहले हमने मतलब इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको बताया था, ये वो वज़न है। ये आप देखें, वज़न हो गया था कुछ ज़्यादा ना, तो सोचा वॉक शॉक स्टार्ट करें, जॉगिंग वॉकिंग करेंगे। तो आ गए भाई उसके लिए, देखो पार्क आ गए और इंशाल्लाह अब इसको कंटिन्यू करेंगे और चैलेंज देंगे अपने आप को 21 दिन का, 21 डेज चैलेंज। अच्छा, इसके बाद अभी जो ना मैंने जो ये दिन पूरे मुकम्मल किए हैं, मेहनत करी है, उसके बाद जो वज़न है ये आपके सामने। भाई अभी आप देखें वज़न कितना है, तो भाई आपके सामने माशाल्लाह देखा आपने कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही इंसान जो है वो कितना वजन जो है वो कम कर सकता है। असल में सीटियां बजा रही है, ये जो है अपना पार्क का जो ना टाइम हो गया ख़त्म, क्योंकि ये 9:15 बजे जो है पार्क क्लोज कर देते हैं और 9 बजे से सीटियां मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहरहाल अभी तो घर जाएंगे और फ्रेश हो के फिर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। और एक और न्यूज़ है हमारे लिए पास आपके लिए, भाई हमारा ऑफिस जो है वो मुकम्मल जो है वो बदल गया है, मतलब कि टूट गया है, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक नया ऑफिस नज़र आएगा। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वो कैसा था, और जब बन जाएगा वो भी दिखाएंगे। तो देर नहीं करेंगे, चलेंगे सबसे पहले घर फिर चलेंगे ऑफिस। आओ चलो भाई, अभी जो ना ऑफिस जाने का टाइम हो गया और हम पहुँच गए रोड पे और सामने से बस भी आ रही है। तो देर नहीं करेंगे, सबसे पहले चलेंगे ऑफिस, और आज जुम्मे का दिन है तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो बस शरीफ भी आ गई है, फिर मिलते हैं आपको बस में। आओ भाई, सीन कुछ ऐसा हो गया है कि बस के अंदर जो ना ऐसी बेहतरीन और कंफर्ट वाली सीटें मिली ना कि हम सो गए, और हम सो गए, हम आ गए इतनी आगे और अब हम वापस जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या होगा हमारा, इतनी दूर जाना दोबारा। तो भाई अभी जो है हम ऑफिस पहुंच गए हैं और अब हो गया है नमाज का टाइम, और क्या नमाज के लिए ये आ गई है मेमन मस्जिद, फिर मिलते हैं। तो भाई हम अभी नमाज पढ़ के आ गए, अभी हम जाते हैं जरा पुराने वाले ऑफिस और चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या अपडेट है, क्योंकि भाई पूरा ऑफिस बनेगा और टूटेगा, तोड़ फोड़ सारी चीज अभी चल के देखते हैं, तो कहीं मत जाएगा। आइए, तो भाई अभी हम जा रहे हैं फाइनली ऊपर ना दफ्तर में, और मैंने पकड़ लिया बलोच को, मैंने ना बलोच, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना कोई पकड़ ले। तो चलते हैं, अभी लिफ्ट आ रही है, बस लिफ्ट का इंतजार है, बस जल्दी से आएगी, फिर चल के ऊपर जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बोलो क्या बोला, ऊपर चलते हैं पहली फुर्सत में। लो जी लिफ्ट आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी सेकंड फ्लोर लगा दिया मैंने, और ये बंद बंद करा बंद। बलोच क्या लगता है तुम्हें ऊपर जाके तुम्हें क्या नजारा मिलेगा?
ऊपर जाके तोड़फोड़ तो ही नजारा मिलेगा, बस वो भी हमारा बनना है। जैसे मजीद आज महीना या दो महीने लगेंगे इंशाल्लाह, तैयार हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा भाई, दो महीने बाद हो जाएगा। लेकिन दो महीने पहले क्या सोचा रहे वो हम आपको दिखाएंगे। आइए ये खुल गए, पहले हमें लग रहा था वहां से खुलेगी लेकिन खुला यहाँ से। चलो कोई नहीं, होता है, लेट्स सी। भाई ये सारा सामान ऑफिस का जो है वो निकाल के रख दिया बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई पुरान, जब नया ऑफिस बन रहा था सामान भी नया आएगा ना। आया बोलो क्या बोलता है। बिल्कुल तो ये भाई सारा सामान वामान गबट शबट सारी चीजें, और ये ठेकेदार साहब खड़े हैं और ये देख रहे हैं, और ये ऑफिस के हाल है और ये हाल है। चलो यहाँ चलते हैं, पहले यहाँ चलते हैं, चल के देखते हैं। भाई ये रुक भाई, माशाल्लाह ये हमारा एंट्रेंस हुआ करता था, यहाँ पे मशीन रखी होती थी और ये हमारा इधर ऑपरेटर बैठा हुआ करता था, और ये भाई सामने पूरा ऑफिस आपके सामने है भाई, माशाल्लाह देखो कितनी बड़ी जगह है, जबरदस्त जगह आ रही है ना पूरी नजर। बलोच ये किस तरह बनेगा, क्या लगता है, अलग अलग बॉक्स बनेंगे? जाएंगे आगे, हमारा ठेकेदार भाई बैठे हैं, उनसे मालूमात लेते हैं। ठेकेदार, आओ ठेकेदार से मिलते हैं। भाई ये हमारे ठेकेदार हैं, ये जो है इस रूम को रेवोनेट कर रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ी सी जरा गपशप करेंगे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये बताओ कितना टाइम लग जाएगा ये? 50 दिन। 50 दिन मतलब भाई ये 2 महीने और 10 दिन ऊपर नहीं ना, 2 महीने को, 2 महीने, 2 महीने लगेंगे। अब देखते हैं इनकी कहने के मुताबिक 2 महीने लगेंगे। और ये हालत देखें आप, ये हालत देखें बलोच, पूरा ऑफिस की जो है हाल बुरा हुआ है। चलो दूसरा रूम देखते हैं, आओ बोलो दूसरा रूम देखते हैं जी। दूसरा रूम देखेंगे भाई, क्या चीज भाई, ये नक्शा आ गया भाई माशाल्लाह, ये देखें आप, हाय 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 हाय, केबिन केबिन केबिन। तो ये जो है ये वाला रूम है, ये वाला है। आप इधर खड़े हो पुणे में? मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा ये वाला हिस्सा भाई ये है, ठीक हो गया। और ये सामने वाला जो हिस्सा है वो ये है पूरा। ये कितने केबिन, ये केबिन है सारे? नहीं ये ओपन वर्क स्टेशन है। ओपन वर्क स्टेशन है ये, और ये केबिन है। अच्छा यहाँ पे जो बनेंगे वो केबिन बनेंगे, यहाँ पे केबिन बनेंगे और सामने वर्क स्टेशन बनेगा पूरा ओपन। और ये वाला केबिन ये वो है, वो जो कमरा खाचा बना हुआ ना, ये सामने वाला वो बन हो जाएगा, वो दरवाजा बन हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे तो दीवार है, आगे के दो कमरे। अच्छा ये आगे के दो कमरे, यहाँ पे 4 है बनने और यहाँ पे 1 बनना है, वो 2 कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर ये सेटिंग बनेगी। सही हो गया, सही हो गया भाई माशाल्लाह। देखा आपने ये नक्शा भी हमने आपको दिखा दिया, हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा रूम जिसका नक्शा आपने दिखाया। एक कमरे में जो है वो 4 बंदे बैठे हुए, और एक कमरे में जो है वो एक छोटा सा वो है वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटिंग एरिया, मीटिंग एरिया। तो भाई ये एक दरवाजा निकलेगा यहाँ से, ये देखो ये दीवार वीवार तोड़ दी उन्होंने, पहले दीवार था अभी तोड़ दिया। हाँ भाई, और ये कमरा आ गया भाई, एक ये बड़ा कमरा हॉल है ये पूरा ना भाई, ये देखो सारी चीजें निकल रही है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये एक रूम है, इसके भी माशाल्लाह देखो सारी तारे वारे जो हैं वो निकल गई हैं, अलमारी वगैरह सारी चीजें, डेस्क वेस्क एसी रह गया भाई, एसी ना निकाल देना। ओहो दरवाजे भी निकाल लिए भाई माशाल्लाह, काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। और एक ये रूम है भाई, एक ये रूम है छोटा सा, ये जो रूम है ना यहाँ पे जो है इन्होंने बोला था यहाँ पे बनेगा कॉन्फ्रेंस रूम, जिसके अंदर सारे के सारे जो है वो बैठेंगे बातें करेंगे। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है भाई, जब बनेगा उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी माशाल्लाह आपके सामने ही है, हमने आपको दिखा दिया इस वक्त के अभी जो है वो हालात किस तरह के हैं। और जब आएंगे हम 50 दिन बाद, हाँ 50 दिन बाद मतलब दो महीने तो इंशाल्लाह लग जाएंगे। तो ये रजब शाबान के अंदर हमारी शिफ्टिंग है। हाँ जी बिल्कुल, तो शाबान में हमारी शिफ्टिंग है, और शिफ्टिंग के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भाई ये रहो ये रहो, बस तब तक के लिए आप इंतजार करें। तो भाई फाइनली सामान जो है ऊपर से सारा नीचे आ गया है, और अभी बस रात हो गई और हमारे घर जाने का टाइम हो गया, और हम जा रहे हैं अभी घर। तो घर चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर आपसे मिलते हैं।